गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ा था, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आपने ईवीएस पढ़ा था। अब आप सिक्स्थ क्लास में आ गए हो, ईवीएस की जगह आप एसएसटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसएसटी, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज के तीन पार्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है पहले देखो, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट का मतलब देखो, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। व्हाट, व्हाट मींस क्या, वेयर, वेयर मींस कहां, हाउ, हाउ मींस कैसे, एंड व्हेन मींस कब। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स है और हिस्ट्री में हम इन्हीं चीजों को ढूंढते हैं कि वो चीज कब, कैसे, कहां, क्यों हुई, ये सब, ठीक है ना। इसीलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर को ये नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया। अब इसमें हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे? सबसे पहला लर्निंग पॉइंट रहेगा, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। सेकंड पॉइंट है, व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट, हमें स्टडी को क्यों पढ़ना चाहिए। हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को कैसे पढ़े। डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स क्या है, हिस्ट्री के अंदर डेट्स क्यों है, इनका क्या रोल है, ठीक है ना। तो अभी बुक में देखते हैं, बुक की फर्स्ट हेडिंग है आपके, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री का मतलब क्लियर कर देती हूँ। हिस्ट्री का मतलब है भूतकाल में जो चीजें हमारे साथ हुई है वो हिस्ट्री होती है। हमारे पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुए, कुछ भी हुआ हमारे साथ में, वो हमारी हिस्ट्री हो जाती है, ठीक है ना। अभी बुक में देखो, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री जो है हमारे पास्ट में जितनी भी इवेंट्स हुई हैं उनको पढ़ना है, यानी इवेंट्स यानी घटनाएं, ठीक है ना। और पास्ट मतलब भूतकाल, हमारे भूतकाल में, हमारे पिछले लाइफ में क्या, यानी कि हमारे पिछले टाइम में कौन कौन सी चीजें हुई है वो, ठीक है ना, उसका मतलब होता है हिस्ट्री। बेसिकली इट हाइलाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मुख्यतः ये मानवीय सभ्यता को विकास के रूप में आकर्षित करती हैं। द स्कॉलर हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्रीशियंस, वे विद्वान जो हमारे पास्ट के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको हिस्ट्रीशियंस कहते हैं। हिस्ट्रीशियंस मतलब इतिहासकार, जो हमारे इतिहास को लिखते हैं और पढ़ते हैं। द स्टडी वेरियस सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट पुनर्निर्मित करते हैं। डेट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना, उसको हमें समझने में आसानी रहती है। इन डेट्स की वजह से ही हमें हिस्ट्री को समझने में आसानी रहती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट, हमें पास्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री हेल्प अस द अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फूड, वेपन, टूल्स एंड लाइफ स्टाइल। जो हिस्ट्री होती है वो हमें ये बताती है कि भूतकाल में या पिछले टाइम में लोगों का खान पान, उनके हथियार, औजार, उनके रहन सहन, कपड़ा, खाना पीना सब कैसा था। इट इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम बट ऑल्सो अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर स्ट्रगल्स। हिस्ट्री जो है सिर्फ राजाओं के बारे में या उनके राज्य के बारे में ही नहीं बताता है कि वो राजा क्या था, कैसे करता था, उसका राज्य कैसा था, उसके बारे में नहीं बताता है। जो सामान्य लोग थे उनके बारे में भी बताता है कि वो हमें, वो किस तरह से रहते थे, काम करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, उनका अपने जीवन को लेकर क्या क्या संघर्ष था। हिस्ट्री गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ ए इनवैल्यूएबल लेसन फ्रॉम द पास्ट, हिस्ट्री हमें एक बहुमूल्य पाठ बताता है जो पिछले पास्ट में हुआ है। थर्ड पॉइंट है, हाउ डू वी स्टडी द हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को कैसे पढ़े। मैनी एक्सपर्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट सच एज हिस्ट्रीशियंस, आर्कोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फिजिक्स, पैंटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
यानी कि बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जो हमें हमारे पास्ट को, हमारे हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं, जैसे हिस्ट्रीशियंस मतलब इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभाग में काम करते हैं उनको, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विज्ञानी, और देखो पैंटोनोलॉजिस्ट है उसका मतलब है जीवाश्म विज्ञानी। ये सब ऐसे हैं जो हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ें क्या है, क्या थी। हिस्ट्रीशियंस हैव डिवाइडेड अवर पास्ट इनटू टू पीरियड्स, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो हमारे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने हमारे हिस्ट्री को दो भागों में बांटा है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है पूर्व इतिहास और इतिहास। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्री हिस्ट्री का समय कब का है? मानव सभ्यता के विकास के पहले का समय जो होता है वो होता है प्री हिस्ट्री। When humans had not learned to write, उस समय मानव ने लिखना नहीं सीखा था। History on the other hand is the period for which we have written records. History उस समय का समय है जब मानव ने लिखित में records रखने चालू कर दिए थे। To know about the prehistoric period, we depend on the archaeological sources found from archaeological finds. साइट्स, यानी कि अगर हमें प्री हिस्ट्री को समझना है तो उसके लिए बहुत से सोर्सेज हैं। उसके अंदर क्या करते हैं जो पुरातत्व विभाग के होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, और उनके खुदाई में जितने भी सोर्सेज मिलते हैं वो उससे पूर्व इतिहास का पता लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड रिटन सोर्सेज एज सच एज मैनुस्क्रिप्ट बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइंस, सील, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। दूसरी तरफ हम देखें तो जो मनुस्क्रिप्ट एक बुक है, मनुस्मृति, और इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, कॉइन यानी सिक्के, सील यानी मुद्रा, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक, ये सब भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में, उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में बताते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर डेट्स क्या है, वो क्या रोल प्ले करती है, या हिस्ट्री में हमारे डेट्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, ये पॉइंट है। क्रोनोलॉजिकल इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन। क्रोनोलॉजी का मतलब है कालक्रम, एक समय की श्रेणी, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होती है कि हिस्ट्री के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं उनको क्रम से जमाना, लाइन से जमाना। Historians are use chronological as the first step toward understanding historical events. जो chronologist थे उन्होंने इस chronology का use किया ताकि history में जितनी भी घटनाएं, past में जितनी भी घटनाएं हुई है उसको हम एक लगातार क्रम से समझ सके। In the this way they can put all the past event in a proper order. उन्होंने क्या किया कि पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको एक ऑर्डर यानी एक लगातार क्रम के रूप में रखा है। जैसे हम 1, 2, 3 काउंट करते हैं ना, वो ऑर्डर के रूप में होता है, वैसे ही उन्होंने इवेंट्स को भी ऐसे ऑर्डर में डाला था। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच हिस्ट्रीशियंस काउंट डेट्स। हिस्ट्रीशियंस पे उन्होंने डेट को काउंट कब करना सीखा, जो हमारे यीशु मसीह थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनके बर्थ से पहले उन्होंने जो डेट्स का पॉइंट लिया है वो पॉइंट है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। द डेट्स ऑफ ईयर बिफोर क्राइस्ट बर्थ आर काउंटेड बैकवर्ड, यानी कि उस समय जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ था तो उनके जन्म से पहले पीछे से काउंट करते थे, जैसे 99, 98, 97 ऐसे रेफर्ड एज बीसी। उसको उसके लिए क्या यूज होता है बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, फॉर बीसी, और उसको बीसीई भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन ईरा। ईरा का मतलब होता है युग, हजारों सालों का समूह। फॉर इंस्टेंस एनी इवेंट दैट हैपन 10 years बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज सेड टू हैव टेकन अ प्लेस इन 10 BC। उदाहरण के लिए हम इस चीज को समझते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल पहले कोई घटना हुई है तो उसको हम 10 BC लिखेंगे। द ग्रेटर द नंबर व्हेन द डेट इज BC द अर्लियर इट हैपन्ड, उस समय इस तरह की कोई घटना हुई होगी। द ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट बर्थ आर नोटेड एज AD। अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की कोई घटना हुई है तो हम उसको AD से डिनोट करते हैं। AD का मतलब है एनो डोमिनी,
इन लेटिन इट मींस इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड्स एडी यानी एनो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है हमारे भगवान के जन्म का वर्ष। दीज ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड्स, इसको आगे की तरफ गिना जाता है, जैसे 99, 100, 101 इस तरह से। एडी 99 कम्स बिफोर एडी 100। द अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस तरीके से उन्होंने जितने भी पास्ट के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जमाए हैं। हिस्ट्रीशियंस रेफर टू अ टाइमलाइन, अ टाइमलाइन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जितने भी हिस्ट्री के अंदर इवेंट्स हुए हैं उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में जो जमाई है उसको एक टाइमलाइन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वो टाइमलाइन हमें बताती है कि किस टाइम के अंदर कौन सी इवेंट हुई है, कौन सी घटना हुई है। ठीक है ना, मैंने आपको ये चार पॉइंट आज क्लियर किए हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट, हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर डेट्स टू इम्पोर्टेंट है। देखो आपकी लाइफ में जब आप अपने पेरेंट्स आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पेरेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप 10th का बोर्ड एग्जाम देते हो तो वो आपके डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप 12th का देते हो, इस तरीके से जो डेट्स होती है वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे ही हिस्ट्री के अंदर भी ये जो सारी डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। अगर डेट्स नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी इवेंट किसके बाद हुई, कौन सी इवेंट किसके बाद हुई, नहीं तो हम इधर उधर इवेंट्स पढ़ेंगे, पहले हम फर्स्ट वाली इवेंट पढ़ लेंगे, फिर थर्ड वाली पढ़ लेंगे, फिर सिक्स वाली पढ़ लेंगे, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर हम इवेंट्स को ऑर्डर से, सीरीज से, डेट से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो डेट्स होती है वो हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, ठीक, रोल प्ले करती है। अभी आज आपका क्लास वर्क मैंने दो क्वेश्चन दिए क्योंकि आपके लिए ये नई क्लास है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो इसीलिए आज मैंने आपको दो क्वेश्चन क्लास वर्क में दिए है। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट का अध्ययन करना, भूतकाल का अध्ययन करना हिस्ट्री है। व्हाट इज टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या, अ टाइमलाइन रिप्रेजेंट ऑक्युरेंस ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि भूतकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको एक समय क्रम के अनुसार जमाना टाइमलाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थैंक यू।